से गादा ओ बिदिदा हम कार जेबंग ना गो 60 एफपीएस हा सो काबले बा फुट नको बजा सर्विस है हम पोटा ओ नेम ब्रेक खोना रे ओ तिनची निया पो निबा हेलो गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग गाइस तो अभी क्लास नहीं है क्या खेल रहे हो भाई थान भाई अच्छा इस गेम का नाम क्या है बताओ बाबूजी मोबाइल पूरा गंदा गेम प्ले गंदा सो अभी तो क्लास नहीं है क्लास है हमारा 11:30 पे तो अभी क्लास नहीं है तो हम ऐसे ही चिल करके बैठे हैं रूम पे क्योंकि ये रूम खाली है इसमें कोई क्लास होता नहीं है बस ऐसे ही रखे हैं एग्ज़ाम वगैरह होता है तभी ये रूम खोलता है सो अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ सो अभी चलो बाहर चलते हैं तो हम अभी फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे अभी क्लास चल रहा है तो हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रुके सीधा फर्स्ट फ्लोर पे आ गए पूरा गेमिंग हाउस बना के रखे हो वाह 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 पति सर स्काउट 2.0 कॉलेज के लौटते समय बहुत देर हो गया था 4 या फिर 4:30 बज गया था तो हम एकदम थक गए तो थोड़ा सा रेस्ट किए बट हमने सोच के रखा था कि आज ब्लॉग बनाएंगे बट जब हम सो के उठे तो एकदम ख़तरनाक वाला सूरज चला गया तो अभी हम NIT पे हैं मन तो है जरानिया के जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे जाने का क्योंकि वहाँ पे शाम में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है एकदम भाई ख़तरनाक वाला फीलिंग आता है मुझे लगता है ज़्यादा ही शाम हो गए हैं मन में बैठे कर रखे थे कि 5 बजे निकल जाएंगे लेकिन अभी तो 5:30 से भी ऊपर हो गया है तो थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगा 6 या फिर 6:30 बजे पे चलो थोड़ा सा भगाते हैं गाइस अभी मजा आएगा ना भिड़ो पूरा 3rd grade में लिमिटर टच करवा दिए हैं NIT में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है पेट्रोल भी एकदम भयंकर वाला गया होगा जितना ज़्यादा RPM उतना ज़्यादा फ्यूल ये डॉगी से हमेशा दूर ही रहने का तो ये है मेरा लीनिंग स्पॉट ओ भाई चेक करे हो ना कितना भयंकर वाला लीन करते हैं इधर
मुझे पता नहीं कि कितना विजिबल हो रहा होगा। चलो इधर चलते हैं। नोना यांग फुनो का फुनो ये होना यांग आज बस मार यांग आज लामा बस कवर इधर हम सिर्फ भगाने के लिए आए हैं, बस यहाँ तक ही भगाएंगे क्योंकि इधर घुसने तो देगा नहीं। चलो अभी फिर से भगाते हैं। हम बस घर से ही सोच के रखे थे कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा भगवाएंगे क्योंकि उधर गाड़ी आता नहीं है तो एकदम भयंकर वाला भगा सकते हैं, बट हम वहाँ पे लोक होगा ये नहीं सोचे थे। अगर वहाँ पे लोक नहीं होता तो हम और भी भयंकर वाला भगाते। ईंट का टुकड़ा लगा है टायर पे भाई, ऐसा हो गया हैंडल। अगर हम ज़्यादा हाई स्पीड में रहते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, 70-80 में तो उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। तो अभी पूरा दिखवाएंगे, उस समय तो हम आप लोगों को बस अंदर ही दिखाए हैं, अभी जो घुसने वाला रास्ता है वो भी दिखाएंगे। उतना बड़ा तो नहीं है बट हाँ अच्छा खासा है। आज अभी आई थिंक जो 6 या 6:30 बजे या फिर 7 बजे का ट्रेन है। बाइक रख देंगे, सो इधर को बाइक रखते हैं और हम अंदर चलते हैं। हम लोगों को पूरा स्टेशन दिखवाएंगे। सो अभी वहाँ पर चिल करने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। नाइट ले टाइम लेते हैं ना तुम ले फंस गया। बाय अंको जारसा उइती का हेलंग ले चल उइ मुखमन ले आ उइ बॉक्स होता तो अभी वहाँ से आते आते यहाँ तक हो गए हैं। अभी भी मतलब बैठने के लिए कोई खाली जगह नहीं मिल रहा था तो वहाँ पे एक है और वहाँ पे जाके बैठेंगे और थोड़ा सा चिल करेंगे। वैसे मुझे तो लगा था ज़्यादा ही शाम हो गए हैं लेकिन उतना शाम हुआ नहीं है, अभी भी देख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इधर थोड़ा सा बैठे हैं, तो जो हम कोल्ड ड्रिंक लाए थे अभी उसको निकालते हैं और पीते हैं। चलो ये तेरा ये मेरा बराबर। तो अभी लाइट भी ऑन कर दिए हैं और लाइट ऑन करने के बाद क्या लग गया भाई देखो, अभी थोड़ा सा और शाम हो गया ना तो और भी ज़्यादा मतलब लाइट विजिबल होगा तो उसकी वजह से और भी देखने में सुंदर होगा। तो अभी गाइस इस ब्लॉग को ये पेन कर देते हैं क्योंकि अभी बहुत शाम हो रहा है और ये पेन करते हैं गाइस। आई होप तो ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग पे गाइस। बाय बाय।